Hello, I am Dr. Sangeeta Jain. I am an IVF specialist and today I'll be speaking about the IVF, how it started, how it has changed the treatment into field of infertility. IVF ki shuruaat 1978 mein hui jab pehla test tube baby world ka born hua. Wo ek miracle tha aur common man ke liye jaise aaj hum sochte hain hum chand pe jayenge to bhi hum kahan ja sakte hain. Lekin tab se duniya bahut badal gayi hai. टेस्ट ट्यूब बेबी आज एक रियल ट्रीटमेंट की तरह उभर के आया है जो हर एक के लिए उचित भी है और उसके दायरा भी बढ़ गया है. आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसके मायने हैं कि हमने फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो कि कुदरती लेडी के फेलोपियन ट्यूब में होती है उसको हमने बॉडी के बाहर किया. तो इसमें इंजेक्शंस देते हैं लेडी को जिससे कि उसके अंडाशय में काफ़ी एग्स बन जाएँ और छोटी सी बेहोशी दे के अल्ट्रासाउंड से ही हम वो एग्स बाहर निकाल लेते हैं. हस्बैंड अपना सेमेन देते हैं और लैब में पूरा एम्ब्रियो बन जाता है. देन उसके बाद हम उसको यूट्रस में डालते हैं. 15 दिन बाद हमें पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं. तो टेस्ट ट्यूब बेबी काफ़ी आगे मुकाम पे पहुंच चुका है. उसकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी हो चुकी है. कॉस्टिंग्स भी काफ़ी कम आ चुकी हैं जब से उसकी शुरुआत हुई. तो ये एक बहुत जेन्युइन ट्रीटमेंट है उन कपल्स के लिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं. उनके एग्स की प्रॉब्लम हो या सीमेन की प्रॉब्लम हो या ट्यूब्स की प्रॉब्लम हो, हर ही क्षेत्र में आईवीएफ उनको मदद कर सकता है. हम लोग बहुत सुनते हैं सरोगेसी के बारे में. सरोगेसी भी एक तरह से एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट है आईवीएफ का, जिसमें कि अगर लेडी का गर्भाशय भी ख़राब हो, यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो, तो भी वो अपना बच्चा कर सकते हैं दंपति सरोगेसी के द्वारा. वो भी आईवीएफ की एक्सटेंडेड तकनीक है. इसमें मोस्टली बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो एक सेफ तकनीक है जिसको कि अगर हम समझ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. हमारे कंट्री में मल्टीपल प्रेगनेंसी बहुत दिक्कत नहीं होती पेशेंट को और वो एक साइड इफ़ेक्ट कहलाता है. दूसरा, सक्सेस रेट जो है वो करीब 60-70% तक पहुँच चुकी है. 60-70% सक्सेस में हमें इतना स्पेंड करना दिक्कत नहीं है. आजकल गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है और बहुत से सरकारी अस्पतालों में भी आईवीएफ होने लगा है. तो मेरा मैसेज ये है आपके लिए कि हमें नाम से उससे नहीं घबराना है. ये एक बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है. प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अगर हम सही केस चूज़ करें तो हमें सफलता मिलती है और हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए. जैन हॉस्पिटल में आईवीएफ की टेक्निक 2002 से यहाँ पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुए हैं. अगर किसी को आप में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप कंसल्टेशन के लिए मिल सकते हैं मुझे. आप लाइब्रेट के थ्रू भी बुकिंग करा सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉपर वर्कअप हो जिससे कि हमें प्रॉपर रिजल्ट्स हम आपको दे सकें. जैन हॉस्पिटल जागृति एनक्लेव ईस्ट दिल्ली में 2002 से ये सर्विसेज दे रहा है. हमारी लैब बहुत एडवांस्ड है. हमारे पास सारी टेक्निक्स हैं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, इक्सी, मीसी, टीसा, सरोगेसी. तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं. अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप लाइब्रेट के मीडियम से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. आपकी कुछ जाँचें होंगी जो अधिकतर पैकेज में होती हैं और अगर उचित होता है तो फिर हम लोग आईवीएफ के लिए प्रोसीड करेंगे. थैंक यू.